Assalamualaikum, it's me Sana Fakhr and welcome to my YouTube channel Sana Fakhr Official. आप सोच रहे होंगे आज की क्या वीडियो है. आज की बहुत क्विक वीडियो है क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे शूट पे जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना क्विक 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 वीडियो बना लूँ आपके लिए. जी आज जो वीडियो में जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दैट्स कॉल बनाना कॉफ़ी स्मूदी. स्मूदी में मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ. उसकी वजह यह है कि अभी देखें जैसे आगे मौसम आ रहा है तो आपको हाइड्रेट भी रहना है, आपको प्यास भी लगती है और आपको फिलिंग भी चाहिए, प्लस ये एक एनर्जी भी चाहिए और डिहाइड्रेट भी नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए ये स्मूदी बहुत ही अच्छी है. इसको आप ब्रेकफास्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पोस्ट वर्कआउट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है जब मैं वर्कआउट करके आती हूँ तो मेरी शूट की गाड़ी आ जाती है कि आ जाएँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ फटाफट स्मूदी बनाती हूँ, अपने साथ लेती हूँ और गाड़ी में बैठती हूँ और शूट पर चली जाती हूँ. तो आज भी मैं यही करने वाली हूँ. वेल एनीवेज, आज की जो स्मूदी है वो बहुत ही क्विक रेसिपी है और उसमें कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है, ज़्यादा चीज़ें भी शामिल नहीं है. मैं अक्सर जो चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ उसी से ही मैंने यूज़ किया है. तो बता दूँ इसके लिए दो बनाना है. ये जी वैसे नॉर्मली मैं पीनट बटर यूज़ करती हूँ, ये आलमंड बटर है. तो पीनट बटर हो, आलमंड बटर हो, कोई भी नट बटर इज़ हेल्दी, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट भी करना होता है समटाइम. मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, इसी तरह पता चली. तो वो क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है एक चीज़ का कि इसका फ़ायदा क्या है तो आप उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो है वो बहुत ही बेनिफिट, इसमें हेल्दी फैट्स हैं. देखिए फैट्स हमें चाहिए भी होते हैं, हम लोग बग़ैर फैट्स के हमारी कोई डाइट नहीं होती. सो ये आलमंड बटर है, ये हनी है फॉर स्वीटनिंग, क्योंकि मैं ज़्यादातर मीठी जो चीज़ें हैं उसमें नेचुरल हनी यूज़ करती हूँ, शुगर कम यूज़ करती हूँ. वैसे बाज़ार में बहुत सारी कोकोनट शुगर और बहुत सारी आर्टिफिशियल शुगर हैं, हनी तो फिर नेचुरल है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. और कॉफ़ी कोई सी भी कॉफ़ी ले लें, जो भी कॉफ़ी आप पीते हैं घर में, जो भी आपकी पसंद की कोई भी ब्रांड है तो वो ले लें. ये हाफ कप कॉफ़ी है. ओके, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बनाना. दो बनाना मैंने इसको काट के रखे थे तो इसमें डाल देंगे. देखिए फाइबर जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी डाइट में, आपके सिस्टम को ठीक रखने में. तो इस तरह की डाइट अपनी लाइफ में शामिल करें जो आपको आपकी बॉडी का सिस्टम ख़राब ना करें बल्कि सिस्टम ठीक करें. सिस्टम से मुराद ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बॉडी का वो आपकी डाइट पर डिपेंड कर रहा होता है. तो उसका ठीक रहने के लिए आपका जो खाना पीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. फिर जो हेल्दी फैट्स की जहाँ बात आ जाती है, देखें आपकी स्किन में स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ फैट्स, हेल्दी फैट जो होते हैं ना वो भी चाहिए होते हैं. जैसे नॉर्मली मैं कहती हूँ कोकोनट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है. और ये जो आज की जो स्मूदी है उसके लिए मैं बता दूँ कि ये आप पोस्ट वर्कआउट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, तो इसलिए मैं नेचुरल जो भी हमारी होती हैं उससे मैं कुछ ना कुछ वो करती हूँ, बिकॉज उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता. ओके, अब हम 1.5 चम्मच हनी डाल देंगे. तो हम इसमें अ क्विक रेसिपी ऑफ द डे जो कि है बनाना कॉफी. बनाना कॉफी इज रेडी नाउ. माय क्विक एंड डिलिशियस बनाना कॉफी इज रेडी. ये स्मूदी ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर एंड ट्रस्ट मी ये आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, बिकॉज़ इट टेस्ट्स रियली गुड.
अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, आप शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, आप ट्राई भी कीजिएगा। और स्पेशली वो लोग जो कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है तो आपको दिल नहीं चाहता, कुछ ठंडी चीज़ खाने को दिल चाहता है मगर फिर भी चाय कॉफ़ी तो चाहिए, तो उसकी जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और कीप शेयरिंग योर आइडियाज़। We'll definitely take it and some other day I'll make a video for your आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब भी दूंगी, वो भी मैं मेरे प्लान्स में है, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूंगी ताकि हम लोग यूँ वन टू वन बात कर सकें। सो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय।